इसको पकड़ना था किसी जाना खड़ा कर दे रखे चाड़ी सा कर जा बाहर कर जा बस रख दी है और नहीं, नहीं आप कह रहे थे ना आपको डिजाइन देखना तो इसलिए मैंने इसको दिखाया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सब बहनें और भाई खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स हम सब बिल्कुल ही ठीक है। तो अभी तो कैसे हैं आप। हाँ माशाल्लाह से कल शाम को व्यूअर्स ये सामान वगैरह लेके आया था, कल जुम्मा था ना, सुबह से निकला था, कल मिस्त्रियों ने छुट्टी की थी, ठीक है, तो कल ये सारा सामान लेके आया हूँ, तो रात बाहर ही पड़ा रहा है, ठीक है, अब उठा तो, जाना रखे हाँ चार पाई बाहर पड़ी है, ठीक है, अब को मैंने इधर ही सुला दिया था, मैंने कहा क्योंकि फिर वो ना आता जाता कोई उठा के ना ले जाए, इसलिए आप जो है ना ख्याल रखना, क्योंकि रात को काफी अंधेरा हो गया था ना, उसमें सामान हमने बाहर ही रख दिया था। अब बाकी आप ये सुनाए कि चार पांच दिन आपसे हमारी कोई बात नहीं हुई। मैं तो खुद ये ही भूल गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने सदियों से जो है ना ब्लॉग बनाना ही छोड़ दिया, इसको तो खुद सलाम करना ही भूल गया। इस तरीके से मैं भी जो है ना काम में मसरूफ, इधर ही काम में लगे हुए और इंटरनेट बंद हो गया, किसी से कोई रब्ता नहीं रहा, परेशानी बन गई थी ना हमारे लिए, तो था कि हमारे लिए क्या हर बंदे के लिए परेशानी थी, हम कोई अलग से थोड़ी है व्यस्त, क्योंकि हर बंदे का आजकल देखिए ऑनलाइन जो है ना काम है, हर बंदे का रब्ता होता है, तो जब रब्ता ही डिस्कनेक्ट हो गया तो मसला तो बन जाता है। तो अभी माशाल्लाह से हमारा जो है ना घर का गेट दरवाजा वो भी माशाल्लाह से मैं कल ले आया था बनवा के, ठीक है, अभी इसको लगा कर फिर कला करेंगे ना। हाँ इसको लगवाएंगे, मिस्त्री भी आने वाले हैं, उसके बाद फिर इसको ऊपर ही लगा के ना ऐसे फ्रंट पे तो रंग कर देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, दिखाना दात्री ले आओ थाना, कटाई करके ना इधर ही लगा देते हैं दीवारों पे। ये एक एक ना ऐसे सीधा कढ़ा दो, ठीक है, खड़ी मेरे पे ना बन जाती है। चलो जी लगा दो इधर सारी, ठीक है। तो विवेक ये जो है ना ये आप देख रहे हैं, ये हमने बनाया है 18 जानवरों के लिए, ठीक है, ये जानवरों की जगह है। तो आपको पता है माशाल्लाह से हमारे ज्यादा तो जानवर हैं नहीं, दो ही हमारे जानवर हैं, ठीक है, तो हमने दो के लिए ही जगह बनाई है। तो ये उनका छत का सामान है, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह आज या कल हम इसकी छत भी जो है ना ऊपर से डाल देंगे। अभी थोड़ा सा काम ये रहता है ना, इधर थोड़ा सा काम हो जाएगा उसके बाद ऊपर से छत डाल देंगे। बाकी अभी गेट का जो है ना वो फ्रंट वाला जो होता है ना पिलर, परली साइड का पिलर तो तैयार है, लेकिन
ये उरली साइड वाला पिलर अभी बनाना है, ये दीवार भी बनानी है, उसके बाद फिर गेट लगेगा। ठीक है, मैं अम्मी को सदे मैं के आके देख के ना समार संदे रागी ते सिंह गेट देखा की वे अब दलादी भी हंस रहा है, दलादी रले आगे गेट देखा। छोटा दरवाजा ठीक है चलो अम्मी को पसंद आगे बाकी की गुआवे ना आवे क्योंकि कलर जेलती है ना बहुत सोना लगती है। हाँ अभी कलर होगा ना इंशाल्लाह फिर से है ना मजे का बन जाएगा। अभी रे लग रहा है आपको तो नींद आ रही है लेकिन अभी ना क्या करना। नींद जो है ना बस गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रातें जो है ना छोटी होती हैं, इसलिए नींद पूरी नहीं होती बंदे की। नाश्ते में मैंने आप आपके लिए नहीं करा। हाँ आज माशाल्लाह से नाश्ते में आम है क्योंकि गर्मियों का एक किस्म का मेवा है। हाँ। और इसमें काफी सारी नस्लें होती हैं, ये नहीं पता कि ये किस नस्ल का है। वैसे दुसेरी भी कोई कहते हैं, ऐसे नाम होते हैं ना, दुसेरी हो गया, लंगड़ा हो गया, तो इस तरीके के काफी सारे देखेंगे तो पता चलेगा ना। अभी ठंडे हैं ठंडे है ना, हाथ ही नहीं लग रहा है। चाय भी अम्मी लेकर आ गई, चले अम्मी चाय भी लेके आ गई है माशाल्लाह से। तो आज जो एक किस्म का मेरा स्पेशल नाश्ता हो जाएगा। और ये देखें कि पराठा भी जो है ना अम्मी ने और बेगम ने मिल के तैयार किया है मुझे लगता है, क्योंकि अम्मी बहुत ही अच्छे पराठे बनाती है, मुझे तभी सही तरीके से नहीं बनाने आते। हाँ ये दूसरे बना लेती है, ये वो डबल वाले भी हाँ। बनाती है। मैंने इसको कहा है कि ये जो है ना रोल वाले बनाया करो, घी वाले। बिस्मिल्लाह। तो आपका हम नाश्ता कर लें कि जो है आपके मिस्त्री भी आने वाले होंगे। हाँ ठीक है। तो अभी माशाल्लाह से आज दिल कर रहा था कि मैंने घर वालों को बताया अम्मी औरों को कि आप जो है ना सेमियां बना लें, हमारे भाई मजदूर भाई मिस्त्री भाई भी खा लेंगे। ठीक है, हमने भी ईद पर खाई थी, हमने सोचा हम भी साथ ईद पे हमने तीन चार दिन व्यूअर्स खाई थी, वो तो दूसरा देसी घी वाली सेमियां जो बाजार से मैं लेके आया था वही बनाई थी। हाँ एक दो दिन तो हमने तीन दिन वही बनाई थी, मेहमान भी आए थे। तो अभी ये जो अम्मी ने घर सेमियां हमने बनाई थी ना, उसमें से देखो ये बची हुई है। और ये जो है ना अम्मी के दहेज का है, मेरे ख्याल में इसमें इतने रखे इसमें हम जो चीज बड़ा दिन हो या फिर मुझे डाल के रखे ना ज्यादा। तो माशाल्लाह से अम्मी जो है सेवियां पीस कर इसने भून ली है अच्छी तरीके से और कढ़ाई में हमने डाल दी हैं। अब इसमें डालते हैं पानी। अम्मा तो सदसा है पानी तो कैसे कर सकता है साड़ी साड़ी और मेरे को बसाए ज्यादा ना हो गई। तो इसमें पानी जो है ज्यादा नहीं डालते ताकि थोड़ा पानी जो है इसमें जो है सही पक जाएगी, क्योंकि ये आटे से जो है बनती है ना, इसलिए तो एकदम दम दे ला रही हूँ वाले नहीं पानी जरी सोख बची वाले नहीं मीठा चले। तो बस अभी इसको दम पे लगा देंगे। तो माशाल्लाह से सेवियां जो है हमारी अच्छी तरीके से जो है उबल गई हैं। तो अभी इसमें जो है चीनी डालेंगे। कितनी एक सटनी अम्मी दस साढ़े साढ़े क्योंकि हाँ। तो अभी चीनी भी डाल दी है चमचा भी है। हाँ रुमाल नाल फट गरम तो इलायची वगैरह और बाकी जो है मेवे मैंने वो भी डाल दिए थे पहले पानी में। हमारे बहुत ही लजीज होंगे।
बहुत दिल कर रहा था, ईद के बाद जो है हमने खाई भी नहीं। तो माशाल्लाह से व्यस आज इन भाइयों की फरमाइश पे ये ले सेमियां जो है तैयार हो गई हैं, तो आज मैं आपके साथ बैठ के खाऊंगा। सामल भाई ठीक है ना? हाँ, आपने कहा है ना कि आप रोज़ चले जाते हैं अपनी बेगम के साथ बैठ के खाते, तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ बैठ के खाऊंगा, ठीक है ना? हाँ चले, आप चेक करें, अभी बताएं, पहले मीठा मुझे बताएं, फिर जो है ना मैं खाता हूँ, टेस्ट करके बताएं कैसी बनी। गुड बना हुआ है, वीआईपी है, गुड देख लो, बहुत सही है। चलो सही है, तो अभी माशाल्लाह से सेमियां हमारी तैयार हो गई हैं, तो अभी बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छी है माशाल्लाह जी। और वैसे भी आपको पता है कि जो भी डिश माशाल्लाह से मेरी बेगम बनाती है ना, तो बहुत ही अच्छी होती है और अच्छे से बनाती है माशाल्लाह।